गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम है नीतीश कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो पहले हम जान लेते हैं ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों, तो पढ़ना इतना ज़रूरी है तो इसके विषय में जानते हैं। ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है ना, चाहे हमारे इंडिया के हो या वर्ल्ड के, सभी यूनिवर्सिटी में इसका सिलेबस लगभग सेम होता है। और जो हमारे CBSE बोर्ड है उसके एडिशनल और ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी इसको जोड़ा गया है। तो ये इस तरह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और सबसे मेन बात ये कि ये जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, वो हमको जैसे हम लोग बच्चे क्लास से पढ़ते हैं, साइंस के बारे में पढ़ते हैं, मैथ्स के बारे में पढ़ते हैं और भी चीज़ें हैं, ठीक है। बट ये जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, इस चीज़ के बारे में हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं कि अगर हम इंजीनियरिंग में आ जाते हैं फिर, नहीं तो वहाँ एडिशनल और ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो इसके विषय में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो इसको इस कारण से इसको अच्छे से पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको शुरू से लेकर अंत तक एक एक पॉइंट देखिए, क्योंकि कहाँ पे कौन सा पॉइंट आपको की पॉइंट मिलेगा जो आपके ड्राइंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए। तो इस चीज़ के लिए इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कहते किसको। तो यहाँ पे लिखा है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इज द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ डिजाइन ऑफ ए वैरायटी ऑफ कंपोनेंट स्पेशली दोज रिलेटेड टू इंजीनियरिंग। ये क्या कह रहा है कि जो हमारे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है ना, एक आर्ट क्या है, आर्ट किस चीज़ का, मैनिपुलेशन का, मैनिपुलेशन ऑफ वैरायटी ऑफ कंपोनेंट। जो हमारा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है वो एक आर्ट है, किस चीज़ का, मैनिपुलेशन ऑफ डिजाइन ऑफ वैरायटी कंपोनेंट, ठीक है। बहुत सारे जो डिजाइन होते हैं कंपोनेंट्स के, उसके मैनिपुलेशन यानी जोड़ने का एक आर्ट है, और जो स्पेशली किससे रिलेटेड हो, हमारे इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो। समझ में आ रही बात, इस चीज़ को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। तो वन बाई वन इसका सिलेबस देख लेते हैं, इसमें आखिर पढ़ना क्या क्या, ठीक है। तो पहला जो हमारा यूनिट आएगा उसमें है बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग। बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग में आखिर आप पढ़ेंगे क्या बेसिक एलिमेंट है, तो इसमें है ना कि हमको जो भी इंस्ट्रूमेंट एलिमेंट हमारे जो यूज होंगे ड्राइंग के लिए, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे हो गया हमारा स्केल्स, पेंसिल, प्रोट्रैक्टर, टी स्क्वायर, ड्राफ्टिंग मशीन, फ्रेंच कर्व, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में कहाँ जानकारी लेंगे, ये फर्स्ट यूनिट बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग में, ठीक है। और इसमें जान लेते हैं बेसिक, जैसे हमने पेंसिल बताया तो पेंसिल के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कुछ होते हैं सॉफ्ट पेंसिल, जैसे बी ग्रेड पेंसिल को, ठीक है, कुछ होते हैं हार्ड ग्रेड पेंसिल, एच ग्रेड जो आता है, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं, जैसे और उसके बाद पढ़ेंगे कि इसमें अलग अलग फ्रेंच कर्व, ठीक है, ये अगर नाम हो सकता है आपके लिए सुनना नया हो, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, उससे क्या करते हैं, उसका यूज क्यों किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंच कर्व जैसे होता है कि स्मूथ कर्व के लिए उसका हम यूज करते हैं, आगे हम डिटेल से इस विषय में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, और उसके बाद है इसमें और भी चीज़ें जैसे जानकारी लेंगे, जैसे लाइन कैसा होता है, कहीं कहीं आप देखते होंगे कि एक डायरेक्ट लाइन खींचा हुआ, कहीं पर डॉटेड लाइन है, ठीक है, कहीं पर डॉट पॉइंट लाइन है, तो इन चीज़ों का क्या मतलब है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हम किस में ले लेंगे, बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग में, फर्स्ट यूनिट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड यूनिट, जिसका नाम है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है। ये प्रोजेक्शन का एक टाइप है, ठीक है, प्रोजेक्शन होता है, उसके बाद पैरेलल और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता है, और पैरेलल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफिक, ऑब्लिक, इस तरह के प्रोजेक्शन पढ़ते हैं। तो ये उसी का प्रोजेक्शन का पार्ट है, जो हम आगे देखेंगे डिटेल में कि आखिर प्रोजेक्शन क्या होता है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल व्यू इंटू टू डायमेंशनल व्यू, ठीक है। जैसे अगर कोई भी चीज़ हमें थ्री डायमेंशनल में दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्यूब है, क्यूबॉइड है, ठीक है, तो उसको हम टू डायमेंशनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा मान लीजिए क्यूब क्यूबॉइड है, तो उसको टू डायमेंशनल में कैसे करेंगे, जैसे ऊपर से इसको देखेंगे, फिर स्क्वायर दिखेगा या रेक्टेंगुलर दिखेगा, क्यूबॉइड होगा तो, ठीक है, और उसका फ्रंट व्यू किस तरह से दिखेगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग किस में देखेंगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। फिर नेक्स्ट आता है हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, ये हो गया और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑर्थोग्राफिक का जस्ट अपोजिट मान लीजिए तो, ठीक है। इसमें क्या होता है, कहता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू डायमेंशनल भी उनके थ्री डायमेंशनल, ठीक है, और इसमें अलग अलग तरह के आइसोमेट्रिक स्केल्स भी होते हैं, और तो ये सब चीज़ें हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में देखेंगे, किस तरह से टू डायमेंशनल व्यू को थ्री डायमेंशनल व्यू के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है फोर यूज़ फ्री हैंड स्केच ऑफ इंजीनियरिंग एलिमेंट। फ्री हैंड स्केच ऑफ इंजीनियरिंग एलिमेंट का मतलब होता है कि जो हमारा इंजीनियरिंग एलिमेंट्स होते हैं जैसे नट्स बोल्ट्स थ्रेड, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं उन लोगों को हम फ्री हैंड से बनाएंगे। ठीक है, फ्री हैंड के लिए भी कुछ टेक्निक्स होते हैं कि हम कुछ एंगल से ले लेते हैं फिर उसके बाद उस पर उस चीज़ को दिखाते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में हम डिटेल्स से जब इस नोट को पढ़ेंगे तो इसमें हम अच्छी तरह से इस चीज़ की जानकारी लेंगे। ठीक है, अभी ओवरव्यू देख लीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग इंटरफेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं हार्डवेयर के बारे में, जो भी हमारे वेरियस टाइप के जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं मार्केट में उसके बारे में, ऑटो कैड के बारे में, ठीक है, और सिस्टम के बारे में जो भी जानकारियाँ हैं हम इस चीज़ में कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग में उस चीज़ की जानकारी देंगे। ठीक है, और लास्ट जो हमारा है यहाँ पे, ठीक है, कि कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें जो भी हम जानकारी लेंगे ना लाइक ये, तो उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे हो गया लाइन सर्किट ये जितनी भी चीज़ें। ठीक है, तो थैंक यू।